Okay. Last time we discussed what is filing and why it is important for new business. हम लोग business के बारे में समझ चुके हैं, business के methods के बारे में समझ चुके हैं, business के office के बारे में हम लोगों ने 9th class में पढ़ा था. So today we are going to study what is filing and what are the different methods of filing. तो कुछ methods आज हम लोग complete करने की कोशिश करेंगे filing. पिछली क्लास में हमने फाइलिंग का मीनिंग समझ लिया था, व्हाई फाइलिंग इज इम्पोर्टेंट. और फाइलिंग को मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेक्नोलॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप फाइलिंग करते हैं और हार्ड कॉपीज होती है उनको भी आप फाइल करते हैं. तो अलग अलग तरीके से आप फाइलिंग करते हैं. तो जो हम लोग अभी मेथड्स पढ़ेंगे वो हम लोग नॉन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पढ़ेंगे किस तरीके की होती है. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आपको लास्ट में अलग से एक वन स्लाइडर उसके ऊपर प्रेजेंट करूंगा. There are two types of filing systems. One is a traditional filing system and one is the modern filing system. जो traditional filing system है वो बहुत पुराना, बहुत time से चला आ रहा है, जो अभी भी कुछ offices में working में है और काफी popular filing system कहलाता है, क्योंकि इसकी कई चीजें जो हैं वो आपको market में बहुत easily मिल जाती हैं, आपको stationery की दुकानों में भी कई चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं. तो इसलिए जो है इसको हम लोग एक traditional filing system बोलते हैं. इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम, वो भी हम कवर करेंगे. तो आज हम लोग पहले ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम कवर करेंगे, जिसके अंदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड्स ऑफ फाइलिंग व्हिच आर यूजुअली यूज्ड इन द स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस, एंड दीज आर जनरली ऑफ फोर टाइप्स. सो द फर्स्ट टाइप इज अ वायर फाइलिंग सिस्टम. वायर फाइलिंग सिस्टम है पहला. ये जो वायर फाइलिंग सिस्टम है इसको स्पाइक फाइलिंग भी बोलते हैं, स्पाइक फाइलिंग सिस्टम. एक के ऊपर एक रखा जाता है इसको, और ये वायर से बना हुआ एक स्टैंड होता है, एक मोल्डेबल वायर होती है जिससे बना हुआ एक स्टैंड होता है, और इसको आप कहीं पर टांग भी सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर रख भी सकते हैं. जो लेटर्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके टेबल पर, आप इस स्टैंड के अंदर, स्पाइक स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक एक करके आप लेटर्स फाइल्स को रख सकते हैं. जो रेगुलर यूज की कोई पेपर्स हैं जो आपको रेगुलरली यूज करना है, रफ पेपर्स हैं, प्रिंट आउट के लिए आप जो प्लेन बॉन्ड शीट्स A4 साइज की रखते हैं वो आप रख सकते हैं यहाँ पर. जनरली जो डॉक्यूमेंट्स आप बार बार रेफर करते हैं, कोई ऐसी कॉपी है, कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कोई चीज जैसे चेकबुक है आपकी, इस तरीके की चीजें आप इसमें रख सकते हैं. या आपकी टेबल के कॉर्नर में बड़ी आसानी से आकर के फिट हो जाता है, और आप उसको अपने बगल में बैठे हुए किसी दीवार पर हैंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं. तो इट इज अ वेरी easy to handle, very simple system. You can see over here, ये ऐसा एक wired stand होता है जो या तो आपके table पर आ जाता है या आपके दीवार में कहीं पर ये fix हो जाता है. So it is a very simple, cheap, less space consuming method. बहुत ही आसान system है, बहुत सस्ता है market में, 100 रुपए के बीच ये stand मिल जाता है, बहुत कम space occupy करता है. Regular routine paper work जो आपको use करना है उसके लिए आप इसको easily use कर सकते हैं. टाइम भी इसमें कम कंज्यूम होता है, पेपर निकालने में बहुत कम टाइम कंज्यूम होता है. इसके कुछ नुकसान भी हैं. इसका जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ज्यादा पेपर ही हैंडल नहीं कर सकता. दूसरा, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. अगर आपने 10 पेपर रख दिए और आपको 10वां पेपर चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा, 9वां पेपर चाहिए, 8वां पेपर चाहिए, तो यू हैव टू सर्च, सारे पेपर निकाल के बार बार ढूंढना पड़ेगा, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाए. तो इट इज अ वेरी स्मॉल कॉम्पोजिट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप बहुत छोटे लेवल पर कुछ पेपर्स रखना चाहें जो आपके रेगुलर यूज के हैं, यू कैन डू इट. अदरवाइज वायर फाइलिंग सिस्टम और स्पाइक फाइलिंग सिस्टम इज नॉट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम. ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम है, लेकिन बहुत पॉपुलर है और बहुत कम खर्चे में होता है. कई नॉर्मली घरों में भी काम करते हैं, दे यूज दिस सिस्टम इन देयर होम्स एज़ वेल. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ filing system. The second type of traditional filing system is pigeonhole filing. Pigeonhole filing. अगर आप लोगों ने कभी इसको, ये बड़ा interesting नाम है pigeonhole, और by the name it indicates कि इसको हिंदी में भी कबूतर खाने वाली अलमारी बोलते हैं. तो अगर आप ये जो पिक्चर भी आप लोग अपने साइड में यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे, मतलब मैक्सिमम 2 कबूतर आ जाए इतना बड़ा एक रैक, मल्टीपल रैक सिस्टम है. तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे, कई बार वो डोर के साथ भी होता है, लॉक्ड भी होता है, कई बार ओपन भी होती है. सो यू बेसिकली कॉल दैट अ डॉकेट फाइलिंग सिस्टम.
इसका दूसरा नाम है डॉकेट फाइलिंग सिस्टम। तो छोटी छोटी कैबिनेट्स हैं, छोटे छोटे पिजन होल्स हैं, और आप क्या करते हैं इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इस पे अल्फाबेट दे दीजिए, इस पे नंबर दे दीजिए, आप किसी का नाम लिख चिपका दीजिए ऊपर या लिख दीजिए। तो ईच डॉकेट विल बी रिलेटेड टू वन पर्सन और वन लेटर, और फिर उसके अंदर उस हिसाब से आप फाइल्स और पेपर्स और लेटर्स वगैरह उसके अंदर आप डाल सकते हैं। यूजुअली अगर आप जाएंगे तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर और जो कुछ सरकारी ऑफिस हैं जिसमें बिल्स वगैरह बहुत हैंडल होते हैं, वहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह में इजी टू हैंडल वाला सेक्शन होता है जो सामने लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है फाइल्स वगैरह वो करंट यूज वाली इस तरह से रख करके यूज करते हैं, और जिन फाइल्स को ये समझते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है उनको वो निकाल करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पिजन होल फाइलिंग सिस्टम, अगेन इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, बहुत आसानी से आपको देख करके समझ में आ रहा है कि ए लेटर वाली फाइल्स यहाँ है या ए नाम वाली फाइल्स यहाँ है या किसी का नाम लिखा हुआ है तो इस कस्टमर से रिलेटेड फाइल्स यहाँ है एक्सेट्रा। दूसरा, ये थोड़ा सा डस्ट और वाटर से भी अगर कुछ आसपास गिरती है, डस्ट और वाटर आपके कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे भी आपको बचाता है। खासतौर पे जो डोर लॉक वाला भी आता है, हर डॉकेट पे डोर होता है, वो भी अब आने लगे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिक, इट सेव्स द फाइल्स टू गेट डिस्ट्रॉयड, इट इज इकोनॉमिकल, सस्ता भी आता है, बहुत बड़े बड़े सिस्टम बहुत सस्ते आते हैं और कम टाइम में आप आसानी से फाइल ढूंढ लेते हैं। Now, what are the disadvantages of this system? It is only suitable for small organization. It is not suitable even for a medium or big business organizations. The cabinets are small. बहुत ज़्यादा spacious नहीं होती इसकी cabinets. बहुत ज़्यादा paper आप इसके अंदर use नहीं कर सकते. So limited number of documents can be kept. And it is difficult to keep old records. जैसा मैंने बोला कि लोग destroy करना शुरू कर देते हैं unnecessary records को. तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई record आपको कुछ time और रखना चाहिए, वो भी गलती से आप destroy कर देते हैं। So this is the disadvantage of pigeonhole filing system or a traditional filing system which is called docket filing as well. Third one is cardboard filing. इसके तीन जो हैं phases आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। One is it is a very popular traditional filing method. ये आप लोगों ने, कई लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा। I think आप लोग जो assignments वगैरह करते हैं paper पे, अगर आप लोग खुद भी देखें तो आप इस तरीके का कोई भी एक फाइलिंग सिस्टम खरीद सकते हैं, बहुत महंगा नहीं होता है, और इसमें अपने एक एक करके असाइनमेंट सब्जेक्ट वाइज या उसको स्टेपल करके या पंचिंग मशीन से करके आप जो है इसको दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है, आप पंच मशीन यूज करिए, पंच को बीच में पंच करिए पेपर को सेंटर में, और इसके अंदर जो है क्लिप होती है, उस क्लिप के अंदर फाइल कर दीजिए। सो योर पेपर्स आर प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन गो बैक एंड रेफर टू दोस पेपर्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर आपने देखा, एक तो ओपन टाइप का कार्डबोर्ड, ये कॉरुगेटेड शीट का बना हुआ होता है, ये कॉरुगेटेड शीट भी एक तरीके की कार्डबोर्ड होती है। इसके अंदर देखिए तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, आप बाहर नाम लिख सकते हैं इनका कि किस तरीके की फाइल्स इसके अंदर रखी है, कौन से साल की है, कौन से ईयर की, कौन से मंथ की या किस कस्टमर की, और उसके अंदर फाइल्स आप रख सकते हैं। देन यू हैव अ बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, इसके अंदर आप ऐसी फाइल्स को हॉरिजॉन्टली अंदर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, या सारे के सारे पेपर्स एक साथ भी अंदर रख सकते हैं, विच इज नॉट वेरी रिकमेंडेड क्योंकि हॉरिजॉन्टल फाइलिंग हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चार या पांच फाइल्स जो है वो इसके अंदर आसानी से स्टोर हो जाती है, तो कार्डबोर्ड स्टोरेज बॉक्स कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो वन वेरी पॉपुलर मेथड, अगेन इट इज सिंपल, इकोनॉमिकल, ईजी है, सस्ता है, बहुत फास्ट रिकॉर्डिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, कम स्पेस की जरूरत होती है। बट अगर आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो गया, इफ इट बिकम्स अ लार्ज एंटरप्राइज, ऐसी बहुत सारी फाइल हो जाएंगी, सो ना ये बॉक्स काम आएगा ना ये एक सिंगल फाइल काम आएगी, देन यू वुड नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। तो इसी फाइल्स को रखने के लिए आपको एक और फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यू नो प्लानिंग योर फाइलिंग सिस्टम। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ फाइलिंग सिस्टम, बट कार्डबोर्ड फाइलिंग इज वन इजी एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। कुछ ही रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं, और अगेन इसको भी आपको रखने के लिए कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट वाली जो फाइलिंग सिस्टम है, वी विल कम बैक टू दैट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगेन इसमें क्या है, आप पहले पंच करेंगे फिर आप इसके अंदर रखेंगे, या इसके अंदर रखने के लिए आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में इसके अंदर आप फाइल्स रखेंगे, पेपर्स रखेंगे, और उसको फिर निकाल के अगर आपको कोई एक चाहिए तो बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल।
एंड देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. गलती से कोई एक आध पेपर इधर उधर हो गया, गिर गया इसमें से बाहर, या नहीं फाइल कर पाए, या पंचिंग मशीन में जो दो होल्स होते हैं वो पीछे से फट गए, तो कभी लाते ले जाते हैं आपका पेपर नीचे गिर सकता है. सो देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. Now the fourth type of traditional filing system is a box filing. आप usually इस तरीके के boxes देखेंगे जो बड़े handy और strong boxes होते हैं. इनके अंदर already कुछ अंदर या तो cardboard का या wood का space बना हुआ होता है, और इनके अंदर clips भी लगी होती हैं to hold the papers, और space बना हुआ होता है. और कई कई बार कई जगहों पर अगर आप ऊपर वाला box देखेंगे या नीचे देखेंगे तो देखिए इसमें ऐसे पूरा organized है, तो इनके बीच में आप होल करके पेपर्स डाल सकते हैं, और इनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा छोटा एक स्पेस भी होता है जिसपे आप लेटर्स भी लिख सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, ईयर्स डाल सकते हैं कि किस टाइप की फाइल है. यूजुअली क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग ऑर्डर के लिए इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है, बट इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने पेपर्स एक बारी में होल्ड कर सकती है एक बॉक्स, ये बिल्कुल पहले से डिसाइड होता है, उतना ही इसके अंदर रखना चाहिए. अगेन इट इज वेरी सिंपल, अगेन इट प्रोटेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फायर, डस्ट, इंसेक्ट्स, वाटर एज वेल. फायर से भी सेव करती है, क्योंकि जो बाकी बॉक्सेस होते हैं वो कार्डबोर्ड के होते हैं, फाइल्स कार्डबोर्ड की होती है, फायर में दो मिनट में जल जाती है. ये बॉक्सेस जो होते हैं वो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ते. अच्छा, ये भी सस्ते मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं, दे आर कन्वीनियंट टू हैंडल. द डिसएडवांटेज इज दैट ये जो स्प्रिंग वगैरह है ये बार बार यूज करने से लूज हो जाती है, और लूज हो जाने के बाद फिर या तो वो टूट जाती हैं या वो काम ही नहीं करती, फिर आपको हाथ से बहुत हेवी उसको खिसकाना पड़ता है, खींचना पड़ता है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट हैपेंस. कई बार इसमें पेपर्स प्रॉपरली होल्ड नहीं होते हैं, स्प्रिंग में ठीक से फंसते नहीं है, या नीचे क्लिप में ठीक से लगते नहीं है, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम इसके अंदर होती है. दूसरा, इसके अंदर पेपर लगाने के बाद आपको अगर पेपर ढूंढना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट अगेन कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो ये भी एक तरीके का ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम को हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं. एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द फाइलिंग, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलिंग, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग, ऑन द ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए. नो सर. ओके. मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम्स इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज सिस्टम्स हैव इंप्रूव्ड फाइल्ड अर्लियर. पहले ये तीन चार तरीके के ही सिस्टम्स होते थे जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाए, एक आध दो कोई और आ गए हो ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम में, बट अदरवाइज दीज वर द सिस्टम्स. और ये अगर आपने देखा हो तो आज की डेट में जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कैसे आप फाइलिंग करेंगे. इतने सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस या इतने सारे स्पाइक फाइल्स जमा हो जाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे. इन्हीं को संभालने के लिए आपको कम से कम 10-15-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी. प्रोटेक्शन है नहीं कोई, पानी गिर गया तो बेकार हो जाएगा स्पाइक फाइलिंग सिस्टम, डॉकेट फाइलिंग खुली हुई है. हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ, तो उनको आपने दो नए मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम से रिप्लेस किया. द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम. Horizontal as the name suggests, flat to up. Horizontal इसको बोलते हैं और vertical इसको बोलते हैं. Horizontal filing system इसमें आप files horizontally place करके रखते हैं. Vertical filing system जो आप files को vertically इस तरह से place करके रखते हैं. तो जो पहला system है horizontal filing system, इसमें आप अगर letters को या documents को chronologically एक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वे में फोल्डर्स में प्लेस करके रखें तो उसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. क्रोनोलॉजिकली इसने इसलिए बोला, सिर्फ पुरानी फाइल नीचे चली जाएगी, पुराना पेपर नीचे चला जाएगा और नया फाइल जो लेटेस्ट फाइल है वो सबसे ऊपर है. इसके दो तरीके, फ्लैट फाइल बोलते हैं और एक आर्च फाइल बोलते हैं. ये दो तरीके की मेथड्स होती है हॉरिजॉन्टल फाइलिंग के अंदर. वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. वर्टिकल फाइलिंग, ये आज की डेट में सबसे पॉपुलर फाइलिंग सिस्टम, सबसे ईजी, सबसे पॉपुलर, और इसके अंदर कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह की जरूरत होती है. वी विल स्टडी अबाउट दैट. बट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन द अपराइट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, और इसका एक डिसिप्लिन होता है और उस डिसिप्लिन में ही हम इन फाइल्स को और
पेपर्स को अपराइट पोजिशन में रखते हैं. द फोल्डर्स एंड फाइल्स आर मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड और पेपर्स विच आर फोल्डेड इन द मिडल टू होल्ड द डॉक्यूमेंट्स इन देम. डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विदाउट पंचिंग और टाइपिंग देम अप इन अ पेयर ऑफ क्लिप्स. ना आप क्लिपिंग करते हैं उनकी, ना उनकी आप पंचिंग करते हैं. यू जस्ट कीप देम इन द फोल्डर्स एंड दोज फोल्डर्स आर केप्ट अपराइट वर्टिकल. और कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम. बट अगर आप हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम की बात करें तो ये जो फाइल आप लोगों ने पहले भी एक देखी थी, इसी को आप फ्लैट फाइल या आर्च फाइल कहते हैं. इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टली पेपर्स को प्लेस करिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि पुराना पेपर या पुरानी चीज नीचे चली जाए, नई चीज ऊपर आ जाए. इनको आपने मेंटेन किया और उसके बाद इनको आप फाइल करते हैं वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम. हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम इज बेसिकली इंटीग्रेटेड इन द मॉडर्न बिजनेस विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम. ये जो मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम आप देखेंगे उसमें हॉरिजॉन्टल फाइल्स को आप वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करेंगे. आगे चलकर वो कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम. आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे इन हॉरिजॉन्टल फाइलिंग एंड वर्टिकल फाइलिंग. In the next class, we will finish off this filing topic. Any questions that you would like? Yes, sir. एक question है. Please question. Sir, but अगर हम देखा जाए तो modern system में हम लोग digital files ही रखेंगे, क्योंकि फिर ऐसे अगर हम लोग इसमें files ही रख रहे हैं तो फिर modern और traditional तो same ही हो गया. Your question is absolutely right in the context. देखिए जो मैं अभी आप लोगों को cover कर रहा हूँ, these are important. क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस एंटरप्राइज डिजिटल सिस्टम्स को हायर नहीं कर सकती पूरी तरीके से, राइट? देयर आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस व्हिच आर हाफ डिजिटल इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पार्टली डिजिटल इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा. अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ चीजें हार्ड कॉपी में डील होती है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हार्ड कॉपी में डील होती है. इफ आई टॉक अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन इज वेल, विच इज अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फुल्ली डिजिटल. But still there are hard copies which are dead. So for example, if I go to human resource department, वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो digital हैं, लेकिन उनके भी printouts निकाले गए. तो अभी भी कुछ चीजें हैं जो digitally काम नहीं करें. अब जैसे मैं आपके records की बात करता हूँ, अब तो हम purely digital हो गए हैं. Google Classroom पे करिए आप, मैं वहीं पे feedback दूंगा, वहाँ पर save भी हो जाएगा, 5 साल तक मैं उस record को रख सकता हूँ. लेकिन जब हम marking करते हैं आपकी, तो एक final sheet होती है. वो फाइनल शीट हम अपलोड कर देते हैं एक डिजिटल सिस्टम पर, डीईए के जो सेंट्रलाइज्ड मार्किंग सिस्टम है उनका. फिर उसका एक प्रिंटआउट निकालकर उसे प्रिंसिपल साइन करती है, दैट गेट्स सबमिटेड टू डीईए इन हार्ड कॉपी. व्हाई? बिकॉज़ दे वांट कि भाई जो रिकॉर्ड आपका डिजिटल आया है उसको मैं मैच कहां से करूं, भाई हाउ डू आई ट्रस्ट यू अगर आपने गलत मार्क्स चढ़ा दिए हैं फॉर एग्जाम्पल. तो एक हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए मेरे पास, जिससे मैं एक बार क्विकली उसको मैच कर सकूं सैंपल बेसिस पर, नॉट द फुल फाइल. जैसे पूरी क्लास में मैंने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनकी हर लाइन आइटम को मैंने मैच करा लिया. अच्छा ठीक है, DHA1 में इतने थे, DHA2 में इतने, CT1, CT2, attendance, SGD, that's all. The total is this. So manual work that you have done on an Excel sheet is printed, signed by the principal and sent to DEI. And then the same thing is updated on CMS. So CMS में अगर कोई typing error हो जाती है, या CMS में सही जाता है और Excel में गलत जाता है, तो ये record identify हो जाता है. So this is the method of securing that you are doing the right record. So why I am mentioning this? जहाँ पे digital records हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के systems हैं. तो अब ये hard copy आ गई मेरे पास, मैं examination department to PEI का, तो मैं इस तरीके की docket files में उनको save करके एक vertical filing system के अंदर इसको save कर दूँ. Now the second very important question that you asked, digital filing. I am going to cover digital or electronic filing after I finish vertical filing system. क्योंकि जो सबसे popular system है वो horizontal और vertical filing system ही है. आज भी जो business start करता है छोटे से, medium तक पहुंचता है, उसके बाद large scale बनता है, तब तक वो fully digitization वाला काम नहीं कर पाता है, right? तो इसलिए जो है it is important for you to understand what is a horizontal and vertical filing system, and then I will also tell you what is digital filing system. अब अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा example दूँ digital filing system का, तो Google Classroom is one very beautiful example of digital filing system. It is not only filing, it is indexing as well.
आपको आपके सारे असाइनमेंट एक जगह पे मिल जाएंगे, स्प्लिट मिल जाएगा आपको कि 1 DHA का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, मैंने क्या सबमिट किया, टीचर का क्या रिस्पॉन्स था, उसमें मार्किंग कितनी है. यू कैन गो टू द ग्रेडिंग एंड यू कैन सी हाउ मेनी ऑफ योर असाइनमेंट्स आर ग्रेडेड एंड व्हाट आर द नंबर्स. फीडबैक का हर असाइनमेंट बगल में लिखा हुआ है. Whether you have submitted on time or you are late, ये तक पता है आपको. So it's one beautiful example of digital filing. तो ये चीजें जो हैं, आपको मैं बताऊंगा digital filing. I will cover the digital filing as part of modern filing system. Don't worry about it. There are improved versions of modern filing system which we will cover in the next class. But as of now, this is what my answer is. I hope मैंने आपको समझाया क्या. Yes, sir. Thank you, sir. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, किसी भी चैप्टर में से पूछ सकते हैं.